करने वाले हैं एमजे स्टार बैंड के न्यू लेडी सिंगर के बारे में। और आप सबको पता ही होगा कि जयेश भाई ने बताया था त्रिशा जी और सुनैना जी जो है वो अभी क्वेश्चन मार्क में है, वो अभी फिक्स नहीं हुए हैं। लेकिन जो अभी न्यू लेडी सिंगर फिक्स हुई है उनका नाम है रोशनी भगत। तो आप कुछ उनके जो पॉपुलर गाने हैं वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस न्यू लेडी सिंगर से मिलने हम आज जा रहे हैं डेडियापाड़ा। और जयेश भाई ने बताया है कि उनकी डेडियापाड़ा चार रास्ते पे ही रोशी लेबोरेटरी करके खुद की शॉप है। अगर दोस्तों आपका कुछ लेबोरेटरी रिलेटेड काम रहता है तो आप जा सकते हैं। और वो अभी फिलहाल एमजे स्टार की न्यू सिंगर बनने वाली है। तो दोस्तों उनके शॉप पे जाते हैं और कुछ उनसे बातें करते हैं। मेरे फ्रेंड है आदिवासी बैंड स्टार के विलास भाई सुजल गैस भी फिर से इधर हाजिर है। हम म्यूजिकल जर्नी के बारे में बात करते हैं उनके साथ। जैसे उन्होंने मेरे चैनल का सबसे पहला सॉन्ग गाया था अगला पायणे वोरण मांडो कामित सॉन्ग, बहुत ही फेमस हुआ था जिसका भी 1 मिलियन व्यू गया था। उसके बाद उन्होंने मेरे चैनल पे दूसरा एक सॉन्ग गाया है पारा ए गांव, जो मेरा अब तक का YouTube चैनल का सबसे अच्छा सॉन्ग है जिसके 4 मिलियन व्यू हो चुके हैं। और वैसे वो गामित सॉन्ग के भी 2.3 मिलियन शायद है, बहुत ही अच्छे व्यू गए हैं। जितने भी वीडियो डाले हैं एक आवे तारी याद वाला एक गुजराती सॉन्ग बीच में बहुत फेमस हुआ, वो भी लेडीज वर्जन में उन्होंने गाया, उनके भी मिलियन व्यू गए हैं। तो उनका आवाज़ बहुत अच्छा है, वैसे आप उनके गाने की झलक उनके जरिए आप सुन सकते हो। वैसे गाने का तो कुछ सवाल नहीं है, लेकिन आपको कैसे म्यूजिक में कैसा लगा मेरे साथ काम करके, कुछ थोड़ा हमारे भी बारे में बता। हाँ, तो अभी एक सॉन्ग आया था फुल कुमारी जो जेंस वर्जन में हमने, वैसे सॉन्ग विकास ठाकरे के चैनल पे है लेकिन ज़्यादा बाहर नहीं आया था, लेकिन मुझे बहुत स्पेशली अच्छा लगा तो मैंने गा दिया। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो लोगों की गुजारिश है कि फुल कुमारी का आप एमजे स्टार का वर्जन बनाओ, तो उस वर्जन में मैं लेडीज वॉइस में भी बनाऊंगा जेंट्स लेडीज कंबाइन करके, तो जिसमें हम रोशनी को फिर से सुनेंगे। और मेरे 2-3 सॉन्ग आने वाले हैं जिसमें भी उनका वॉइस आएगा, तो आप इसके लिए मेरे जेएस म्यूजिक यूनिवर्स चैनल का सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और नहीं किया है तो आप कर लेना क्योंकि शॉर्ट टाइम में ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो एमजे का वर्क चल रहा है, थोड़ा मैं उसको खत्म करके काम पे भी लग जाऊंगा। तो इनके गानों की सुर्खियां आपको मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे से, आप इनके चैनल पे पूरा इंटरव्यू मिल गया है आप देख लेना। ऐसे मैंने इधर एक बार लैब टेस्ट करवा चुका हूँ मैं अपना, मुझे लगा चलो मुझे कुछ वो स्किन के इफेक्ट दिख रहे थे तो मैंने खुद का लैब टेस्ट करवाया, वैसे मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव रिपोर्ट है, बोले पॉजिटिव इसके हिसाब से हो हेल्दी हूँ बोले तो मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ अभी मॉनसून आया है तो आप भी अपना अपना ख्याल रखो, अगर कुछ भी लगता है तो आप इधर आके अपना लैब टेस्ट जरूर करवाना। और मेरा तो क्या बोलना है कि अपने आदिवासी एरिया का है, अपनी खुद की आदिवासी लड़की है, इतनी मेहनत से लैब बनाए है, तो बाहर ज़्यादा खर्च करने से बेटर है आप अपने आप इधर आके अपना रिपोर्ट कराओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो कि अपने आदिवासी एरिया जैसे कि डेडियापाड़ा में लैब आ चुकी है, तो बाहर बाहर सूरत अंकलेश्वर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर आके हम अपना टेस्ट करवा सकते हो।